वो अंधभक्त है, बीजेपी का वो अंधभक्त है, वो लोग सिर्फ मोदी मोदी कर रहे हैं। लेकिन आप कहीं पे भी पूछ ले, पेट्रोल का दाम जिस तरह से बढ़ रहा है, उन्होंने कहा था कि युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे सत्ता आने के बाद, लेकिन कोई यहाँ पे बेरोजगारी से सब मर रहा है। आप लोग खुद ही देख रहे हैं, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, गैस का दाम बढ़ रहा है, क्योंकि सब कुछ आग से दिख रही है नरेंद्र मोदी के अच्छे। इसीलिए इंसान बोल रहा है कि और हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमारे वो पुराने दिन हो जाते हैं। लेकिन मोदी ने विकास किया है, क्या विकास किया है? ममता बनर्जी जो विकास किए बंगाल में, मोदी जी क्या विकास किया बताइए? ममता बनर्जी 700 शादी कार्ड किए, जिसमें 5 लाख तक फ्री का देने का बात जो बहुत ही लोग उसको उपभोग कर रहे हैं। आप दिखाइए मोदी हमारे लिए कहा क्या उस लॉकडाउन के समय में? मोदी जी कहा जब यहाँ पे परिजाय समीप लोग जैसे पैदल चल के हमारे बंगाल तक का सफर उन्होंने किया था, तो उस समय मोदी जी कहा? उस समय अमित शाह जी का, अभी तो डेली पैसेंजर बने हैं यहाँ। नहीं, उस समय तो मोदी जी बोल रहे थे ना, उस समय मोदी जी नहीं, हमने राशन फ्री दिया है, राशन फ्री दिया, ममता ने राशन फ्री दिया है। बीजेपी के लोग यहाँ पे राशन चोरी का काम किया, राशन देने का काम नहीं किया। तो आपको क्या लगता है इस बार हम पक्का है 200 से ज्यादा सीट लेके फिर से ममता बनर्जी हेडसीट में आ रही है? फिर से ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस का ही सरकार बनने चलेगा, ये हम लोग निश्चित है, ऊट चल खड़ी है निश्चित। इच्छा में पता है कि तृणमूल कांग्रेस ही सत्ता पे। और युवाओं का मुद्दा यहाँ पे आजकल बहुत सारे युवा है, यहाँ युवा का मेन मुद्दा यहाँ पे देखिए, स्टूडेंट यहाँ पे सभी स्टूडेंट है, स्टूडेंट लोग को जिस तरह ममता बनर्जी ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कैब दी है, कन्याश्री दे रही है, युवश्री दे रही है, जिस तरह से हमारे युवाओं के लिए चालू इस तरह से हम लोग काफी खुश हैं हम लोग। और ममता बनर्जी से कोई विकल्प ही नहीं मिलते, आप बताइए। अगर ये साधारण क्वेश्चन है आपसे मैं क्वेश्चन करता हूँ, अगर हम तृणमूल कांग्रेस अगर मुख्यमंत्री कौन होगा? सबको पता है ममता बनर्जी, लेकिन आप बताइए अगर बीजेपी सरकार बनाए तो मुख्यमंत्री कौन होगा? दिलीप घोष, मुकुल राय? उसके पहले यूपी में तो चुनाव हुआ, वहाँ भी कोई चेहरा नहीं था, वहाँ भी कोई चेहरा नहीं था। देखिए बीजेपी के लिए चेहरा तो मायने नहीं रखता है, आप बताइए। ठीक है, बीजेपी के लिए चेहरा मायने नहीं रखता, आप बताइए, कोई हो सकता है? वो लोग अपने में लड़ाई कर रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन बंगाल की जनता ठीक कर चुकी है कि ममता बनर्जी खुद से किसी बार के लिए मुख्यमंत्री बनेगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद।